अहमदाबाद के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज संगठन द्वारा स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश गोयल द्वारा किया गया। समाज के सभी लोगों का कहना है कि स्वामी श्रद्धानंद एक महान और सत्य के मार्ग पर चलने वाले और देश के लिए बलिदान देने वाले एक महान पुरुष थे। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा पहली बार गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना भी की गई। स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद से भाषण देने वाले इस देश के पहले व्यक्ति थे। चोटीपुरा गुरुकुल के प्राचार्य एवं शिष्यकाएं द्वारा योग हवन और भजन कीर्तन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम में सभी समाज के लोग मौजूद रहे। सुदेश आर्य, अजय सिंह, ज्ञानेंद्र गांधी, रमेश सिंह, उषा गुप्ता, कुसुम आर्य, सरोज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। उनके समाज को बदलने वाले नायक स्वामी श्रद्धानंद सबके जीवन नहीं थे, बल्कि यथार्थ के निराकरण महान ऋषि की भूमिका का निर्धार किया। वे समाज के शिल्पी थे, चार दृष्टा शिल्पकार ने गुरुकुल के रूप में एक ऐसा सांचा बनाने का बीड़ा उठाया जो आगे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान कर सके। आध्यात्मिक संपदा व संस्कारों से गुरुकुल के छात्र व देश की युवा पीढ़ी इस महानायक के यशस्वी जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकेगी। स्वामी का जीवन छात्रों के प्रति वत्सला, करुणा एवं प्रेम से सर्वोपरि था। उनका प्रत्येक छात्र से अंतर्वासी संबंध था। वे प्रतिदिन गुरुकुल के विद्यालय, गौशाला, बाग, चिकित्सालय का भ्रमण कर बारीकी से जानकारी रखते थे। ऐसी ही एक घटना। मैम, क्या कहना है आपका जो आज ये कार्यक्रम कराया गया है? इस मामले में कहना है कि श्रद्धानंद बलिदान दिवस को हमें हर साल क्या हर दिन मनाते रहना चाहिए। वही एक भारतीय ऐसे थे जिन्होंने जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि हर एक देश में नहीं होना चाहिए, तभी देश आजाद हो सकता है। उन्होंने कई मुसलमानों को हिंदू बनाया जो धर्म पर एक धर्माधर्म विरोधी ने धर्म उनका जीवन लीला समाप्त कर दी थी। वो संबंधों के आगे भी नहीं रहे थे। उनका प्रारंभिक जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन ऋषि दयानंद के संपर्क में आने से उन्हें लगा कि हम अपने देश के साथ अन्याय ना करें। प्रत्येक को देश को अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त करना है, आजाद करना है। जब उनकी बेटी ने कहा ऐसा ऐसा बोलते हुए क्या लगेगा, तो उन्हें लगा कि हमारी उन्होंने कन्या गोकुल जलंधर और गोकुल पांडी हरिद्वार। इसलिए हम ये संदेश भारत के जन जन को